गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकार एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन दिए हैं जो किसी भी स्टाफ नर्स में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यूपी एनएचएम सीएचओ, एमपी सीएचओ एंड यूपी पीएससी एनबीएस, ईएसआईसी, यूपी SSC एनएम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट दिया है, दाहिने ऊपरी अंग में पाई जाने वाली हड्डी की कुल संख्या कितनी है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम इज, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 16। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 30। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट दिया है। हुमरस आर्म, हुमरस में फ्रेंड एक बोन है एंड रेडियस अल्ना में दो बोन है। ये हुमरस बोन है एंड ये अल्ना है एंड ये रेडियस है। टोटल बोन फ्रेंड्स इसमें 3 बोन है। फ्रेंड्स, इधर ये हैंड का दिया है, साइड में हैंड का, इसमें दिया है कि कार्पल में 8 बोन है एंड मेटाकार्पल में 5 बोन है एंड फ्लेंजियस में 14 बोन्स हैं। फ्रेंड्स, टोटल इसकी बोन 30 बोन्स हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 30 बोन। कार्पल में फ्रेंड्स 8 बोन है एंड पाम में 5 बोन है एंड फिंगर्स में 14 बोन्स है। टोटल फ्रेंड्स 30 बोन है। सेकंड पॉइंट दिया है, द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज, ऑप्शन ए है सबमेंटो वर्टिकल, बी है ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सी है सबमेंटो ब्रेगमेटिक एंड डी है मेंटो वर्टिकल। फ्रेंड्स, में दिया है कि द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मेंटो वर्टिकल। ये पॉइंट्स दिया फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दिया है कि सब मेंटो वर्टिकल में 11.5 सेंटीमीटर है एंड ऑक्सीपिटल फ्रंटल में 11.5 सेंटीमीटर एंड सब मेंटो ब्रेगमेटिक में 9.5 सेंटीमीटर एंड मेंटो वर्टिकल में 13.5 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट है, एक लंबी हड्डी की लंबाई में वृद्धि का निर्माण स्थान है, द साइट ऑफ ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ अ लॉन्ग बोन इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि एक लंबी हड्डी की लंबाई में वृद्धि का निर्माण स्थान है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, एपिफेशियल प्लेट। ये पॉइंट दिया फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं। एपिफेशियल प्लेट क्या होता है, द ग्रोथ प्लेट आल्सो हैज द एपिफेशियल प्लेट। ग्रोथ प्लेटलेट को, ग्रोथ प्लेट को एपिफेशियल प्लेट के रूप में भी जाना जाता है। इज़ अ थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज दैट लाइज बिटवीन द एपिफेशियल एंड मेटाफेसियस। कार्टिलेज की एक पतली लेयर है जो कि एपिफेशियस एंड मेटाफेसियस के बीच में होती है एंड इज वेयर द ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स टेक प्लेस, जहाँ से एक लंबी बोन्स का विकास होता है।
फोर्थ पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंग हिंग ज्वाइंट का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंग ज्वाइंट? ऑप्शन ए वेरिस ज्वाइंट, ऑप्शन बी रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ऑप्शन सी शोल्डर ज्वाइंट एंड डी है एल्बो ज्वाइंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एल्बो ज्वाइंट। ये पॉइंट दिया फ्रेंड, द बोन्स ऑफ द हिंग ज्वाइंट अलाउ द लिम्फ टू बेंड इन ओनली वन डायरेक्शन। हिंग ज्वाइंट वाले पार्ट की बोन्स केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करने की अनुमति देती है। एंड फॉर एग्जांपल है जैसे कि द ज्वाइंट ऑफ द फिंगर्स एल्बो नी एंगल, द एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ अ हिंग ज्वाइंट। फिफ्थ पॉइंट दिया है, व्हाट इज द शेप ऑफ द एंटीरियर फ्रंटल? एंटीरियर फ्रंटल किस शेप का होता है? ए है स्क्वायर शेप का, बी है रेक्टेंगल शेप का, एंड डी है डायमंड शेप का, एंड सॉरी सी है डायमंड शेप एंड डी है ट्रायंगुलर शेप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डायमंड शेप। सिक्स पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए है अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस, ऑप्शन बी रेडियस इज लॉन्गर देन अल्ना, एंड सी है बोथ रेडियस एंड अल्ना आर इक्वल इन लेंथ, एंड ऑप्शन डी है रेडियस इज द बोन ऑफ अपर आर्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। फ्रेंड से पॉइंट दिया है, रेडियस एंड अल्ना आर टू एडजेसेंट लॉन्ग बोन्स ऑफ द फोर आर्म विच आर अटैच्ड टू द रिस्ट ऑन द वन हैंड एंड द एल्बो ऑन द अदर। इन दिस द अल्ना इज स्लाइटली लॉन्गर देन द रेडियस। सेवेंथ पॉइंट है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बोन्स फाउंड इन हैंड एक्सेप्ट वन। ऑप्शन ए है कार्पल बोन्स, एंड बी है मेटा कार्पल, सी है कॉलक्लियम एंड डी है फ्लेंजेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लेक्लियम। कार्पल मेटाकार्पल एंड फ्लेंजियस ये फ्रेंड्स हैंड में बोन होती हैं, एंड क्लेक्लियम बोन्स फ्रेंड्स ये पैर की एड़ी में बोन्स होती है। इसका राइट आंसर सी है क्लेक्लियम बोन्स।
नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी अस्थि की उत्तल सतह अवतल सतह से फिट हो जाए तो यह क्या कहलाती है? When convex surface of a bone fits into concave surface, this is called as. फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि जब किसी अस्थि की उत्तल सतह अवतल सतह से फिट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लेन, ऑप्शन बी सैडल, ऑप्शन सी हिंग जॉइंट एंड ऑप्शन डी बाल एंड सॉकेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिंग जॉइंट। ये पॉइंट्स दिए फ्रेंड, व्हेन द कन्वेक्स सरफेस ऑफ अ बोन फिट्स विद द कनकेव सरफेस देन दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड हिंग जॉइंट। When the convex surface of a bone fits with a concave surface, when these types of joint is called hinge joint. Ninth point है, lumbar punctus spine tap is done in between vertebra. Option A है option A है L2 and L3, option B L1 and L2, option C L3 and L4, option D L4 and L5। इसका राइट आंसर फ्रेंड L3 एंड L4। टेंथ पॉइंट है, नील्स क्लैम्स एंड हुप्स आर फाउंड बाय। ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी स्किन मसल्स, ऑप्शन सी स्टर्नम ऑफ स्किन, ऑप्शन डी कार्टिलेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोन्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।